तो आप कह रहे थे कि टैक्सी अचानक आपकी लेन में आ गई। जी सर, वो तो नसीब अच्छे थे कि जान बच गई। कम से कम 80-90 की स्पीड से आ रही थी टैक्सी। आपकी ब्रेक के निशान देखे हैं मैंने। टैक्सी ड्राइवर कहाँ गया? जी पता नहीं, मैंने नहीं देखा उसे। ये एक्सीडेंट आपकी आंखों के सामने हुआ है, कम से कम उसे भागते हुए तो देखा होगा आपने। जी सर, मैं अपनी जान बचाता या उसे देखता? ब्रेक मारने के बाद जब मैंने देखा तो वहां कोई था ही नहीं। सर, आप बोलो। पिछली सीट पे जो आदमी मरा हुआ है उसकी जेब से एक कार्ड मिला है सर, उसका नाम जनार्दन है सर। और सबसे अजीब बात यह है कि अगला हिस्सा पूरी तरह से स्मैश होने के बावजूद वहां खून का एक धब्बा भी नहीं। खैर, आप ऐसा करिए, आप इस टैक्सी को टो करवा के ले जाइए और मैकेनिक से इसकी पूरी जांच करवाइए। और हाँ, उस टैक्सी ड्राइवर का पता लगवाइए फौरन। आई वॉन्ट टू सी हिम। यस सर। सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। कुछ अजीब सी बात है। हाँ हाँ, बोलिए। सर, वो जो ड्राइवर था ना टैक्सी का, उसकी हल्की सी झलक देखी थी मैंने। सामने से आ रहा था तो वो अपनी लेन में, पर गाड़ी बहुत फास्ट चला रहा था कि मैं तो दंग रह गया। ड्राइवर की सीट एकदम खाली। व्हाट नॉनसेंस। मैं सच कह रहा हूँ सर, अभी एक सेकंड पहले वो वहां था और अगले ही सेकंड गायब। गायब चलती गाड़ी में से? इम्पॉसिबल। भगवान की सौ सर, मैं सच कह रहा हूँ, अभी वो वहां था और अभी नहीं। मुझे पता है सर, आप मुझे विश्वास नहीं करेंगे। गाड़ी फुल स्पीड में है और ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं है। पता तुम पिए हुए हो, मुझे तुम्हारा अल्कोहल टेस्ट करवाना पड़ेगा और उस टैक्सी ड्राइवर को भी पकड़ना पड़ेगा। ये आप क्या कर रहे हो साहब? साहब, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है। साहब के पास जाओ। यही वो टैक्सी वाला है जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मगर सर ये कहता है कि ये वहां था ही नहीं। था ही नहीं? अगर तुम वहां नहीं थे तो टैक्सी कौन चला रहा था? साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैं वहां पर नहीं था। अच्छा, तो फिर कहाँ थे? टैक्सी यूनियन की मीटिंग में था साहब। वहां पर मौजूद 50 आदमी आपको बता सकते हैं कि मैं वहीं पर था। अच्छा, तो तुमने टैक्सी किसी और को चलाने को दी? नहीं साहब, मैंने मेरी टैक्सी किसी को चलाने वास्ते नहीं दी। साहब, कल मेरी टैक्सी चोरी हो गई थी। ये देखिए साहब, कल सवेरे 8 बजे मैंने समता नगर पुलिस चौकी में रफड़ दर्ज कराई थी। चोर का कुछ बढ़िया बता सकते हो? मैं ठीक तरह से देख नहीं पाया साहब। देख नहीं पाया मतलब? साहब, कल मेरी आंखों ने मुझे धोखा दे दिया साहब। पुलिस स्टेशन में जो भी आता है उसकी आंखों से धोखा दे चुकी होती है। सच सच बताओ क्या हुआ था। बताता हूँ साहब, मैं जानता हूँ आप मेरी बातों का विश्वास नहीं करोगे, फिर भी कल सवेरे मैंने अपनी गाड़ी रोड पर निकाली। मैं पवई रोड पर गाड़ी चला रहा था पांडु स्टेशन की ओर जाने के लिए, क्या अचानक मेरी गाड़ी का ब्रेक डाउन हो गया। ये गाड़ी को क्या हो? गाड़ी को भी धंधे के टाइम पे ही बंद पड़ना था। यहाँ तो सब ठीक है। आंखों के सामने चली गई साहब, मगर मगर गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं था। गाड़ी अपने आप चल रही थी साहब, गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं था। हवलदार, ले जाओ इसे यहाँ से। इसके 3-4 टेस्ट और करवाओ और हो सके तो किसी साइकियाट्रिस्ट की हेल्प भी लेना। सब के सब अंधे हो गए हैं यहाँ पर। कल वो टेम्पो वाला बकवास कर रहा था और अब ये क्यों भाई? कल रात की पी अभी तक उतरी नहीं क्या? साहब, मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाता साहब। नहीं लगा रहा था तो फिर कौन चला रहा था? इस केस के सिर्फ दो ही विटनेस हैं
और दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो गाड़ी में से जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो किसके हैं? सर ज्यादातर तो इसी के हैं, बाकी जो है वो एकदम धुंधले हैं। जैसा कि उंगलियां तो हैं मगर सर उंगलियां निशान नहीं छोड़ती। और हाँ सर एक चीज हमें मिली है मरने वाले के हाथ से, एक शादी का कार्ड। किसी मीना की शादी का कार्ड है, डॉक्टर ऑफ अमरीश वर्मा, 24th अप्रैल 1987। 1987? कहिए, क्या आप किसी मिस्टर जनार्दन को जानते हैं? हाँ जानता हूँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? कल उनकी मौत हो गई। क्या तो पता है? वो कल ही तो हमारे यहाँ पे आए थे। कैसे मरे वो इंस्पेक्टर, कैसे मरे वो? तुम अंदर जाओ, इस बात से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। कैसे मतलब नहीं है बाबा, मतलब है, है। मैं जानना चाहती हूँ कैसे मरे वो। टैक्सी एक्सीडेंट में, हम लोग उसके ड्राइवर को ही ढूंढ रहे हैं। टैक्सी एक्सीडेंट में? पापा ये क्या हो गया, पापा ये क्या हो गया पापा। चलो बहुत बुरा हुआ इंस्पेक्टर, बहुत बुरा हुआ। अभी कल ही की तो बात है, वो हमारे यहां पे आए थे मेरी बेटी की शादी तय करने के लिए। फिर यहां से बाहर निकले कहने लगे कि मैं टैक्सी पकड़ लूंगा। ओ गॉड गॉड, बहुत बुरा हुआ। और वो लड़का आज यहां मेरी बेटी से मिलने आने वाला है, बस पहुंचता ही हो। आप मीना जी की शादी दोबारा कर रहे हैं? दोबारा से आपका मतलब आप हमारा अपमान करना चाहते हैं? देखिए इसलिए मैंने पूछा। ये आपको कहां मिला? जनार्दन की लाश के पास। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये शादी कभी हुई नहीं। तो ये कार्ड? ये कार्ड पहले छप चुका था और शादी बाद में कैंसिल हो गई। क्यों कैंसिल हो गई? देखिए इंस्पेक्टर, ये हमारा निजी मामला है, एक्सीडेंट से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन जनार्दन की मौत से इसका संबंध हो सकता है। देखिए बता दीजिए। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता इंस्पेक्टर, कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी बेटी के अतीत में जो हुआ वो हो चुका, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। और सालों बाद मेरी बेटी शादी के लिए राजी हुई है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज उसके रास्ते में आए, आप भी नहीं। अब आप मुझे माफ कीजिए, मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं। ओके फ्रेंड बाय। अरे तू भाग कर रहा है यार, तेरी मंगेतर को तो देख ले। अबे भूल गया, थोड़ी देर पहले उसकी फोटो दिखाई थी तूने, और फिर शादी तो तेरी हो रही है मेरी ना। कमाल है यार, अच्छे दोस्त निकले तुम। अरे मेरी जिंदगी का इतना खास मौका है और तुम भागे जा रहे हो, दैट्स वेरी बैड। अबे तेरी शादी अटेंड करने के लिए तो मैं शहर में रुका हूँ, वरना अब तक तो ना जाने कहाँ कहाँ पहुँच गया होता मैं। खैर शाम को मिलते हैं। ओके शाम को मेरे होटल के कमरे में मिलते हैं। ओके ओके बाय 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 बाय। सब कुछ ठीक हो जाएगा ना नाची? आप घबराइए मत अमरीश जी, ये सब कुछ रोक दीजिए, रोक दीजिए, एक और मौत हो चुकी है। अब हमें कुछ भी नहीं रोकना चाहिए।
देखो बेटी, ये शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है और ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। और मैं वादा करता हूँ कि कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। तो मेरे आ गया। देखो बेटी, अपने आप को संभालो, उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकती है? क्या खून से सना कार्ड, ये नाम, इस केस में कुछ ऐसी अजीब चीज है जो शायद कभी समझ में नहीं आएगी। मुझे कुछ डर भी लगता है। क्या अजीब चीज है सर, और कैसा डर? ये नाम पढ़ते सारी मेरे दिमाग में खनकने लगा था। ऐसा लगा कि मैं ये कार्ड सालों से देखता आ रहा हूं। ऐसा क्या है इस कार्ड में? तुम एक काम करो, तुम उस मंदिर में जाओ जहां ये शादी होने वाली थी, उसका पता यहां लिखा हुआ। वहां पुजारी से जाकर पूछो कि अमरीश वर्मा ने अपनी बेटी की शादी अचानक क्यों कैंसिल कर दी। आप बता सकते हैं कि ये शादी अचानक क्यों कैंसिल हो गई? शादी के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता हूं, क्योंकि 9 साल पहले इस मंदिर में दूसरा ही पुजारी था। आप ये तो बता सकते हैं कि अब वो पुजारी कहाँ होगा? वो 3 साल पहले ही स्वर्ग सिधार गया, मर गया। मंदिर में होने वाली शादियों का रिकॉर्ड तो होगा आपके पास? माफी चाहता हूँ, मैं आपकी इस काम में मदद नहीं कर सकता। अच्छा, कोई बात नहीं पुजारी जी, अगर आपको इसके बारे में जरा सी भी मालूमात हासिल हो तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए। ठीक है? ठीक है। आपने झूठ क्यों बोला पुलिस वाले से? पिछले 20 साल से तो आप इस मंदिर के पुजारी हैं। कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है बेटा, किसी के भले के लिए। रिकॉर्ड तुमको कहाँ से मिला? सर, एक्सीडेंट साइट पे, मरने वाले के हाथ में था। एक्सीडेंट? उस टाइम भी मुझे लगा था कि ये एक्सीडेंट है, पर मुझे मालूम था कि एक्सीडेंट नहीं है, ये कुछ और है। सर, इसका मतलब ये पहले भी हो चुका है? हाँ, 6 साल पहले, 1990 में, मगर वो केस कभी सॉल्व नहीं हुआ। क्या नाम था उसका? मंगेश? नहीं, मंगल, मनीष, क्या था? हाँ सर, ये नाम मैंने कंप्यूटर में पढ़ा है। सर, जब मेरी नई पोस्टिंग हुई थी तो हमारे इलाके के सभी वो केसेस जो सॉल्व नहीं हुए उनकी फाइलें मैंने कंप्यूटर में देखी थी। सर, इसमें अभी भी होगा? सर, आपने कहा था 1990। देखते हैं। मनीष, तो मैं एमए देखकर बताता हूं। मकरंद जोशी, मनीषा। यस, मनीषा। हाँ हाँ, वही केस है। मरने वाले के शरीर पर से मिली चीजें, बटुआ, चाबी और एक शादी का कार्ड। देखा, मैंने कहा था ना। सर, कोई रिश्तेदार तो होगा जिसने इस मर्डर की रिपोर्ट लिखवाई होगी। लेट्स सी। सुमित, LNB रोड, पूल साइड, 2x3, शाह बंगलो। काश कि मैं भूल सकता। ऐसा लगता है कि कल की बात है। मेरा भाई मुनीश लंदन से लड़की ढूंढने के लिए आया था। उसने एक लड़की पसंद की थी, मीना। मीना वर्मा? हाँ, मीना वर्मा। दूसरे दिन उनकी शादी थी। मैं चाहता था मुनीश जल्दी सो जाए, लेकिन उसी वक्त उसका एक दोस्त आ टपका। मुझे अच्छे से याद है, मैं यहीं खड़ा हुआ था और वो वहां बैठे हुए थे। आप चलिए भैया, मैं भी सोने आता हूँ। मेरा एक दोस्त आया हुआ है, मुझे इससे कुछ जरूरी बातचीत करनी है। कौन? तुषार? नहीं। तो आनंद? नहीं नहीं, चले चले। हाँ चले, अभी नई नई दोस्ती हुई है इनसे, हाल ही में एयरपोर्ट पर मिले थे। अच्छा भैया, कल रिसेप्शन के बाद बैठकर तबीयत से बात करेंगे इनसे। ठीक है, लेकिन देर मत लगाना, जल्दी सो जाना, कल तुम्हारी शादी है ना। यस बॉस, गुड नाइट। फिर मैं सोने चला गया। कितना अभागा दिन था वो। काश मैं सोया ही नहीं होता तो अच्छा था। रात को मुझे वॉचमैन ने आकर के जगाया। एकदम बदहवास था वो।
उसने मुझे फौरन स्विमिंग पूल पर चलने को कहा। मैं भाग के स्विमिंग पूल पर गया। मैं जाके क्या देखता हूँ, मुनीश, 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 क्या हुआ ये मुनीश, मुनीश, मेरे भाई मुनीश, आगे खोलो, देखो मैं आया तुम्हारा भाई मुनीश, आगे खोलो मुनीश, कैसे हुआ, कैसे हुआ ये सब मुनीश, कैसे हो गया? इतना भयानक सीन था वो कि मैं बता नहीं सकता। पुलिस के डॉक्टर ने बताया कि मुनीश को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, वो ऐसे ही मर गया हार्ट अटैक से। मैं पूछता हूँ 26 साल के लड़के को क्या हार्ट अटैक हो सकता है? और उस कार्ड के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। कार्ड? क्या वो कार्ड कुछ इस तरह से था? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ये खून के धब्बे, क्या एक और मौत हो गई? जी हाँ। लेकिन आपने मीना या उसके पिताजी से इस कार्ड के बारे में नहीं पूछा? वो भला मुझे क्यों बताते? बस इतना कहा कि मीना की शादी 4 साल पहले तय हुई थी पर कैंसिल हो गई। इस कार्ड के मुताबिक मीना की शादी शैले से तय हुई थी, फिर अचानक ही शादी कैंसिल हो गई। किसने की? शायद मिस्टर अमरीश वर्मा ने। और शायद इसीलिए ठुकराए हुए दूल्हे शैलेश ने तय कर लिया कि वो मीना की शादी किसी से नहीं होने देगा, चाहे इसके लिए उसे खूनी क्यों ना करना पड़े। मुझे भी यही लगा था, लेकिन मीना के पिताजी ने बात को वहीं दबा दिया। काफी कनेक्शंस हैं उनके। वो मनीष का दोस्त जो उस दिन आया था, क्या दोबारा मिला? उसका कोई आता पता ही नहीं मिला, गायब ही हो गया। इस कार्ड से उसका और मुनीश की मौत का कनेक्शन जरूर है। आप कह रहे थे कि आपने मुनीश के इस दोस्त की झलक देखी है। उसके बाएं हाथ पर एक कट का निशान था, बिल्कुल। बाएं हथेली पर कट का निशान? अरे अरे, ये तो वही आदमी है, मैंने मैंने उस दिन से गाड़ी में देखा था, वही शैलेश। सुमित जी, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। पिछली बार जब विनय हमारे घर पे आया था तो उसे कोई छोड़ने आया था, कौन था वो? अमरीश जी, विनय कहाँ है? जल्दी बताइए विनय कहाँ है। विनय? लेकिन आपको उससे क्या काम? विनय की जान खतरे में है, मीना और विनय की शादी तय हुई है ना। शैलेश लौट आया है। शैलेश, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा था ना पापा, वो जरूर आएगा, अब क्या होगा? अमरीश जी, वक्त जाया मत करिए, जल्दी बताइए विनय कहाँ है। होटल सनराइज रूम नंबर 12। थैंक यू। कैसा चला थी? मेरे की जान खतरे में है? वो पूरी तरह से सुरक्षित है। मैंने जो उसे माला दी है पहनने के लिए, वो अगर मेरे कहे अनुसार अगले 24 घंटे तक पहनेगा तो उसे कुछ नहीं होगा। Come on, my dear friend, let's celebrate to my happy married life. ये गले में फंदा कैसा लटकाया हुआ है तूने? अरे भैया, ये फंदा नहीं है, ये ताबीज है। ताबीज? हाँ, तो मैं भी घर पर गया था ना, वही नाथ जी ने मुझे पहनने के लिए दे दिया। कहने लगे कि बेटा इसे पहन के रखो, इसे पहनने से भूत प्रेत दूर भाग जाते हैं। भूत प्रेत? वो भी होते हैं क्या? तेरे जैसा आदमी ऐसी बात करे तो अच्छा नहीं लगता तुम्हें। यार वैसे तो मैं भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब होने वाले सास ससुर ने दिया है तो पहनने में क्या हर्ज है? तो फिर उनके सामने पहनना, यहाँ रात में पहनने से क्या फायदा? नहीं, उन्होंने कहा है कि बेटा इसे 24 घंटों तक पहन कर रखना, जब तक कि शादी नहीं हो जाती। अबे पागल, रात में पहनकर सोएगा तो गला छिल जाएगा, इसे उतार के कहीं रख दे सेफ। अब बच्चों की तरह बातें कर रहे हो, इसे पहनने से गला क्यों छिलेगा भला? उन्होंने ये कहा था कि इसे पहनने से बचाव होगा। बचाव? बंद कमरे में बचाओ, मुझसे बचाओ। हंस लो भैया, हंस लो, बात भी हंसने की ही है। ठीक है यार, मैं इसे उतार ही देता हूँ। ये ले इसे, तू रख। इसे कहीं रखे। दरअसल मैं ऐसी चीजों को हाथ नहीं लगाता हूँ ना, मेरी आदत नहीं है ना, इसे कहीं रख दे, कहीं किसी भी जगह,
सेफ बात नहीं क्या भैया, जैसा तुम कहो। चलो अच्छा सुनो, मैं जरा मुंह धोकर आता हूँ, जब तक तुम बियर खोलो। ओके बियर। देखो ये भी कमाल का कोइंसिडेंस है, तुमसे मेरी फर्स्ट मीटिंग आज से 5 दिन पहले हुई थी और आज की तारीख में तुम मेरे सबसे अच्छे सबसे प्यारे दोस्त हो। नीना से मेरी फर्स्ट मीटिंग आज हुई है और कल कल मेरी उसके साथ शादी होने वाली है। कमाल है ना, दोस्त भी नया और बीवी भी नहीं। मुझे तो लगता है भैया कि मेरी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। हाँ, एक नया मोड़ लेने वाली है, एक खतरनाक मोड़। खतरनाक मोड़? ये देख, ये नीना का विवाह शैलेश के साथ। शैलेश के साथ? ये क्या मजाक है यार? ये मजाक नहीं है विनय, ये सच्चाई है। तुमने तुमने सोच भी कैसे लिया विनय कि तुम मीना से शादी करोगे? मीना मीना से मेरी है। तो तुमने मुझे ये सब पहले बताया क्यों नहीं? ये झूठ है, ये सच है। मैं 9 साल से मीना को प्यार करता रहा हूं। मीना मेरी है पर तुम मुझे मुझसे छीन लेना चाहते हो हमेशा हमेशा के लिए। इतना साफ।